नमस्कार, बदमाश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो बजे स्कूल मिले बंद, 6 शिक्षकों का कटा वेतन। सौ क्विंटल नकली खाद जब्त, FIR के आदेश। बदमेश न्यूज प्रसारण के बाद जागा प्रशासन, बना दी खारी से देवरी सड़क। एक से 3 जुलाई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगा गर्रा रेलवे फाटक। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए परेशान हुए लोग। पांचवी 8वीं बोर्ड के आए आदेश। शनिवार को जिले भर में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, 24 घंटे में सक्रिय हो जाएगा मानसून। और अब खबरें विस्तार से। सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक पीके अंगूर ने 29 जून 2019 को परसवाड़ा विकास खंड की शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ शालाएं दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद पाई गई हैं। शालाओं के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 6 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले इन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत किया जा रहा है। जिला परियोजना समन्वयक पीके अंगूरे द्वारा परसवाड़ा विकास खंड की शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि शासकीय माध्यमिक शाला टिकरिया के शिक्षक महेश राणा व हर्षलता सिंह, प्राथमिक शाला सलगट के शिक्षक हरे सिंह बट्टी, प्राथमिक शाला दादू टोला की शिक्षक उमा भगत, श्री बुद्ध सिंह उइके, प्राथमिक शाला पृथ्वी टोला के शिक्षक गजानन लिल्हारे शाला में अनुपस्थित पाए गए। ये सभी शालाएं निरीक्षण के दौरान दोपहर 1 से 2 बजे तक बंद पाई गई। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए इन शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं और इन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत किया जा रहा है। जिला परियोजना समन्वयक अंगूरे ने सभी शिक्षकों से कहा कि वे नियत समय पर शाला में उपस्थित हो जाएं और निर्धारित समय पर ही शाला बंद करें। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शालाओं का सतत निरीक्षण जारी रहेगा और शाला से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिले के किसानों को नकली खाद एवं बीज विक्रय करने वालों पर कृषि विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में परसवाड़ा एवं बैहर तहसील में नकली DAP खाद विक्रय का मामला सामने आने पर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर दोषी व्यक्तियों एवं एजेंसी के विरुद्ध परसवाड़ा एवं बैहर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। कृषि विभाग के अमले ने ग्राम सलघट में 100 क्विंटल नकली DAP खाद भी जब्त की है। उपसंचालक कृषि राजेश त्रिपाठी ने बताया कि 28 जून को परसवाड़ा विकास खंड के ग्राम कनई, खर्रा, नाटा, पंडा टोला में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कार्यवाही में गुजरात पवन फर्टिलाइजर कंपनी, जिला आनंद गुजरात द्वारा निर्मित ऑर्गेनिक फ्रोम उर्वरक किसानों को विक्रय करते हुए पाया गया। किसानों को इस उर्वरक को DAP का सब्स्टिट्यूट बताया जा रहा है। यह नकली उर्वरक शानू पटेल एग्रो एजेंसी भीकेवाड़ा के संचालक शानू पटले, पिता दीमक चंद पटले द्वारा परमेंद्र गौतम निवासी भोपाल एवं प्रधान समूह की करुणा हनवत, पति रामलाल हनवत, ग्राम लोटमारा के माध्यम से ग्राम कनई, खर्रा, नाटा, पंडा टोला के किसानों को विक्रय किया जा रहा था, जिस पर नकली उर्वरक को जब्त कर थाना प्रभारी परसवाड़ा के सुपुर्द कर नकली उर्वरक विक्रय करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। यह कार्यवाही सहायक संचालक विनय ध्रुवे, नायब तहसीलदार श्री कैलाश कनौजे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मेघदूत परते, कृषि विकास अधिकारी सुनील बागड़े एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अजीत ध्रुवे द्वारा दी गई है। अभी इस सीजन में तो प्रथम बार है और कल की डेट में भी वहाँ पर हुआ है ध्रुवे जी, है ना, चन्ना में भी कल भी किया गया है एक गाड़ी। ये जो 2-3 जगह के जो नाम आप बता रहे हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ ये मामला है? हाँ, मामला एक ही ग्रुप का है जी। इनके एजेंट है, ये बहुत बड़ा ग्रोह है। कुछ दिन पहले मैं उपवामी मीटिंग ले रहा था तो वहाँ पर भी कुछ एजेंट
आए हुए थे, मैंने उनको समझाइश भी दिया कि इस प्रकार से आप धंधा करते हैं तो मैं गाड़ी को सीधा सीज करेंगे जी। ये किसका माल है? किसका माल है? इसका मालिक जो है अभी तो मालिक का ये लोगों द्वारा बताया गया है, अभी हम इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। परमेंद्र गौतम ये शानू पटले निवासी भीकेवाड़ा तहसील परसवाड़ा, इनका माल बताया? हाँ हाँ, यहाँ का जो है, लेकिन ये बहुत बड़ा ग्रोह है, ये जो है गुजरात से संचालित हो रहा है, जहाँ तक जो इसके आधार पर जो है DAP सब्स्टिट्यूट जो है आनंद गुजरात वाला ऑर्गेनिक क्रोम के नाम से, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है जी। अब इसके बाद में जो उचित कार्रवाई होगी तो ये बाद में ही निकल कर आएगा कि आखिर ये माल किसका है और ये कौन इसका डीलिंग कर रहा है। ये कोई बहुत बड़ा ग्रोह है क्या, पूरे इंडिया में है या फिर पूरे MP में है या कुछ स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट? आज मामला ये हुआ है कि ग्राम टिकरिया जी, ग्राम टिकरिया विकासखंड परसवाड़ा में आज दिनांक 29 तारीख को यहाँ पे अवैध तरीके से DAP सब्स्टिट्यूट जी, जो कि गुजरात पवन फर्टिलाइजर कंपनी आनंद गुजरात के नाम से, जयपाल मेरावी पिता ठानू मेरावी ग्राम सलगट पे चूना टोला पे अवैध तरीके से इसको भंडारित किया गया है जी, जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी क्लियर नहीं है, और अवैध तरीके से 200 नग मानी कि 100 कुंटल माल यहाँ पे जब्त किया गया है मेरे साथी और हमारे सबके द्वारा जी। ठीक है, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? अभी वहाँ से माल जब्त करके थाना बैहर थाना पे लाया गया। उप संचालक त्रिपाठी ने बताया कि बैहर तहसील के ग्राम सलखट के कृषक सुमेर सिंह के यहाँ से नकली DAP 100 क्विंटल 200 बोरी 29 जून को कृषि विकास अधिकारी प्रीति पेंद्राम द्वारा जब्त की गई है और बैहर थाने में नकली उर्वरक विक्रय के मामले में FIR दर्ज करवाई गई है। उप संचालक कृषि त्रिपाठी ने उर्वरक विक्रेताओं से कहा कि वे बगैर लाइसेंस के उर्वरक का विक्रय ना करें, नकली उर्वरक विक्रय कर किसानों के साथ धोखाधड़ी करते पाए जाने पर सीधे उर्वरक विक्रेता के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि समितियों में पर्याप्त मात्रा में सरकारी खाद उपलब्ध रहता है, जिसमें DAP यूरिया सुपर फास्फेट पोटास जिंक सल्फेट ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसके मेरा अपील ये रहेगा, मेरा निवेदन ये रहेगा कि किसान भाई किसी भी तरह से कोई प्राइवेट संस्थाओं के चक्कर में आकर के नकली खाद बीज का न उठाएं, नहीं तो बाद में उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसके लिए हम लोगों ने विभाग से पूरा फ्लाइंग स्क्वाड टीम गठन किया है और वो हर विकासखंड में मुख्यालय में पहुंच करके लोगों को चेक कर रहे हैं, दुकानों को भी चेक कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं। अभी जो प्रकरण संज्ञान में आया है परसवाड़ा और बैहर में पता चला है कि दो जगह पे नकली खाद बीज पकड़ा गया है, केसेस भी थाने में सुपुर्द किए गए हैं, तो इस तरह से कहीं भी कोई अगर कंप्लेंट आती है तो किसान भाई भी उसको बताएं और जो नकली ट्रेडर्स हैं माफिया लोग हैं उनके चक्कर में ना फंस करके और शासकीय उचित दरों पे ही खरीदी करें। MP बोर्ड से संबंधित सभी निजी व सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड पद्धति लागू होगी। इसमें CBSE स्कूल बोर्ड के दायरे से बाहर होंगे। 5वीं 8वीं की परीक्षा को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। CBSE स्कूलों में 5वीं 8वीं बोर्ड को लेकर CBSE की गाइडलाइन का इंतजार करना होगा। केंद्र सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 IT कानून वर्ष 2010 में देश में लागू किया है। कानून की धारा 30 में पहली से 8वीं तक की बच्चों की परीक्षा लेने और उन्हें फेल करने पर प्रतिबंध है। इसके तहत बच्चों का सिर्फ मूल्यांकन किया जा सकता है। यही कारण है कि राज्य सरकार वर्ष 2009 से परीक्षा के बजाय मूल्यांकन कर रही थी। मध्य प्रदेश सहित 27 राज्यों ने केंद्र सरकार से कानून में संशोधन कर परीक्षा कराने के अधिकार मांगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने RTE कानून की धारा 30 में संशोधन कर दिया है। अब राज्य सरकार चाहे तो 5वीं 8वीं की परीक्षा में विद्यार्थियों को पास या फेल कर सकती है। पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे बताते हैं कि शासन स्तर का मामला है, जैसे आदेश और निर्देश मिलेंगे उनका पालन करना हमारा काम है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के निर्देश के अनुसार जिले में सभी शासकीय अस्पताल को मौसमी बीमारियों जैसे जल जनित रोग, उल्टी दस्त, आंत्रशोध,
फूड पॉइजनिंग, वाहन जनित रोग, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के उपचार और रोकथाम के बेहतर इंतजाम करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी पनिका ने दिए हैं। पद्मेश से चर्चा के दौरान डॉक्टर आरसी पनिका ने बताया कि जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम गठित की गई है। जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए शुद्ध पेयजल के उपयोग और ग्राम में ORS डिपो होल्डर की स्थापना की गई है। मच्छर से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए मच्छर निरोधक गतिविधियां की जा रही है। सोशल मीडिया के जितने फायदे और नुकसान भी है, इस बात का उदाहरण शनिवार को एक बार फिर सामने आया जब अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए दर्जनों अभ्यर्थी उत्कर्ष स्कूल पहुंच गए और वहां उन्हें पता चला कि ऐसा कोई आदेश ही नहीं आया है, जिस कारण उन्हें अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए पहुंची दीप्ति मिश्रम बताती है कि उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिली कि शनिवार को उत्कर्ष स्कूल में काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी है। यहाँ सर आज मालूम पड़ा था कि गेस्ट्रिक की काउंसलिंग होने वाली है, इसके लिए हम लोग यहाँ आ जाए थे। सर यहाँ आने पे कोई ऐसे प्रोसेस मालूम ही नहीं पड़ रही है, यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि जब यहाँ के टीचर से पूछा जाता है तो बोलते हमको नहीं मालूम है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहाँ से जानकारी मिली थी कि आपको आज काउंसलिंग है? सर ये मोबाइल में आए थे सर। किसके द्वारा? ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पेपर में जो कटिंग आई थी उसके द्वारा ही देखा गया था। उसी के मद्देनजर हम लोग आए हैं आज। आपने पता था जी किया तो फिर क्या बताया? यहाँ पे अभी तो कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है। क्या बोलते तो क्या है, क्या होगा या नहीं होगा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे वो लोग, होगा या नहीं होगा कह के। चरेगांव से पहुंची लता बिसेन बताती है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि शनिवार को काउंसलिंग होना है, इसके लिए उनके क्षेत्र में बहुत से लोग पहुंचे हैं। यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों मगर ये ऐसी जानकारी क्यों दिया गया आप लोग को? ये तो नहीं पता सर क्यों दी गई जानकारी, लेकिन हम ये जानकारी सुने तो आए। तो कोई टीचर यहाँ पे मिला कि नहीं आपको? नहीं सर टीचर भी नहीं मिले, हमने यहीं से पता किए। अतिथि संघ के जिला सचिव ओम प्रकाश जायसवाल बताते हैं कि सोशल मीडिया के साथ साथ एक न्यूज़पेपर में भी यह खबर प्रकाशित हुई थी कि शनिवार को अतिथि काउंसलिंग होना है, इसलिए इतनी संख्या में लोग यहां पहुंच गए हैं। यहां पे आज जानकारी लगी थी, हमारे मोबाइल में भी सूचना मिली थी कि आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहां पे काउंसलिंग की जा रही है ब्लॉक स्तर पर। तो ब्लॉक स्तर पर जब काउंसलिंग की जा रही बोल रहे हैं तो सभी लोग आए थे। वैसे भी कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा था कि हम सारे अतिथियों को हम लोग नियमित करेंगे और मात्र 3 महीने के समय में नियमित करेंगे। आज 6 महीना हो गया और बल्कि उससे ज़्यादा समय हो गया, लेकिन वचन पत्र निभाया नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि काउंसलिंग के नाम पर गुमराह किया जा रहा है लोगों। अभी हमारे बहुत से साथी यहाँ से परेशान होकर चले गए हैं और अभी काफ़ी साथी लोग हैं, तो यहाँ काउंसलिंग होगी करके हम सब लोग आए तो पता चला कि यहाँ काउंसलिंग नहीं है। प्रिंसिपल के कमरे में ताला लगा हुआ है, कोई जानकारी देने वाला नहीं है, तो हम लोग अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं और ये शासन के द्वारा जो गुमराह किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। तो पड़ेगा अगर हम लोगों को नियमित नहीं किया जाएगा तो इसका असर निश्चित ही पंचायत में पड़ेगा और कांग्रेस को बहुत बुरी मार खानी पड़ेगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ योजना अधिकारी BR गेडम बताते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए इस तरह के कोई आदेश अब तक प्राप्त नहीं हुए है। आदेश आने के बाद ही काउंसलिंग के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से कोई आदेश ऐसे हमको आए नहीं है। आदेश आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। सर ये जो आज जो पहुँचे थे काउंसलिंग के लिए अतिथि शिक्षक वगैरह, जी क्या लगता है सर इसमें? नहीं ये इसमें क्या है, व्हाट्सएप वगैरह को तो मानते हैं, जब तक ऑथेंटिक लेटर ना आए हमारे पास वहाँ से तो व्हाट्सएप वगैरह में से किसी ने डाल देते हैं, इसके वजह से वो कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, क्योंकि कार्यालय से इस प्रकार के कोई आदेश प्रसारित नहीं किए गए। बालाघाट से कटंगी रेलवे मार्ग पर मरम्मत कार्य के लिए शहर के डेंजर रोड से बैरिकेड हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोक निर्माण संभाग 1 RP ठाकरे बताते हैं कि 1 और 2 जुलाई को रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इस ट्रैक पर मरम्मत का कार्य होगा। इसके लिए डेंजर रोड से बैरिकेड हटा दी गए है ताकि रेलवे के वाहनों को आवाजाही में परेशानी ना हो। आपको बताया कि बीते दिनों से डेंजर रोड आम वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, केवल रेलवे के लिए इसे हटा दिया गया है।
आज डेंजर रोड खुलवा दिया गया है सर, क्या वजह से खुलवा दिया गया सर? बंद सर काफी दिनों से डेंजर रोड। नहीं, डेंजर रोड आवागमन के लिए अभी अल्टरनेट व्यवस्था इमरजेंसी में रेलवे फाटक में रेलवे वालों का कुछ रिपेयर का कार्य होना है रात 10 से सुबह 6 तक, तो उतने पीरियड के लिए छोटे वाहनों को वहाँ से जाने के लिए खुलवाया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बालाघाट के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता के द्वारा सूचित किया गया है कि बालाघाट कटंगी मार्ग पर लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर BK09 किलोमीटर गर्रा फाटक की मरम्मत करने एवं रोड की सतह ठीक करने के लिए 1 जुलाई दिन सोमवार की रात्रि 10 बजे से 2 जुलाई मंगलवार की प्रातः 6 बजे तक एवं 2 जुलाई मंगलवार की रात्रि 10 बजे से 3 जुलाई बुधवार के प्रातः 6 बजे तक गर्रा फाटक से आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा। गर्रा फाटक की मरम्मत के दौरान परिवर्तित मार्ग बाईपास रोड जो वैनगंगा पुल के समीप से मृत्युंजय घाट, झाकपुर घाट, गोंगले होते हुए नवेगांव मेन रोड गोंदिया को जाता है, वहां से आवागमन जारी रहेगा। जिले के नागरिकों से प्रतिबंधित अवधि में परिवर्तित मार्ग से आवागमन कर रेलवे को सहयोग प्रदान करने की अपील की गई है। जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को परखने के उद्देश्य से बालाघाट पहुंची राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले के तमाम ब्लॉक में स्थित स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर पंकज शुक्ला के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम के द्वारा तमाम विकास खंडों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उपचार केंद्र, सिविल अस्पताल सहित जिला अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं एवं कमियों को परखा। इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक श्री शुक्ला बताते हैं कि आयुक्त के निर्देशन में 4 दलों का गठन किया गया जो प्रति माह राज्य के 2 जिलों का निरीक्षण कर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। यह रिपोर्ट आयुक्त स्वास्थ्य सेवा को प्रेषित की जाएगी ताकि उसमें सुधार किया जा सके। संयुक्त संचालक श्री शुक्ला ने बताया कि उनकी टीम के द्वारा निरीक्षण में पाया गया कि विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की काफी कमी है, वहीं जिला अस्पताल में भी चिकित्सकों की कमी के कारण काम प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम सहित अन्य कमियां भी है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। ये चिकित्सकों की कमी तो पूरे मध्य प्रदेश में है, उसको देखते हुए बालाघाट जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी उतनी नहीं है, लेकिन बालाघाट की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुतायत कमी है, यानी कि वहाँ सेवाएं इफेक्ट हो रही हैं। उसकी मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा और कुछ हम लोग कोशिश करेंगे क्या किया जा सकता है उसके बारे में एक्शन प्लान करें। कलेक्टर साहब के पहल से जिला चिकित्सालय का स्वरूप सुधर रहा है, काफ़ी पहली बार लोगों में मतलब किसी कलेक्टर ने यहाँ ध्यान दे के काम कराया है, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज मैंने उनसे समय भी मांगा है कि उनको मैं अपनी विजिट की मैं जो खराबियाँ और अच्छाई दिखी हैं वो उनको बताऊँगा, उनसे जो मदद हमें लेनी है उनके बारे में भी उनको और बताऊँगा, और मैं राज्य में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो यहाँ की कमियों के बारे में जिसमें सुधार के लिए मैं राज्य से मदद दिलवाऊँगा उसके बारे में। नगर के मिड टाउन होटल में आज जिले के तमाम स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भोपाल से आए वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने इन अधिकारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया। और पिछले 2015 से अभी तक लगातार जा रहा हूँ, करीब 2 से 2.5 हज़ार करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश का बजट मिलता है, 4 से 4.5 हज़ार का बजट राज्य शासन देती है। नवजात मृत्यु दर को बात करते हैं, नवजात मृत्यु दर हमारी 34 चल रही है, नहीं जो कल रिपोर्ट आई है बजट दिया जाए, लेकिन हमने एक चीज बहुत अच्छी की। जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से आज आधा सैकड़ा से अधिक नौनिहाल जर्जर छत के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह मामला है ग्राम पंचायत जागपुर आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 का। ग्राम पंचायत जागपुर के पुराने और जर्जर हो चुके भवन में आंगनवाड़ी का संचालन बीते वर्षों से किया जा रहा है, जिसकी छत पूरी तरह से खराब हो चुकी है और दीवारों से पानी बहने के कारण दुर्घटना को पूरे समय आमंत्रण मिलते रहता है।
आंगनवाड़ी सहायिका सुशीला बंसारे बताती है कि भवन तो बन चुका है लेकिन लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है। नया भवन बन चुका है सर, लेकिन वहाँ पुताई नहीं हुई है और उसकी पूरी मरम्मत हुई नहीं है। अधूरा पड़ा हुआ है? अधूरा पड़ा हुआ। अच्छा, क्यों पड़ा हुआ, क्या वजह लगती है आपको? अब ये तो ठेकेदार बताएंगे। नवनी हलों के परिजन बताते हैं कि अब आंगनवाड़ी भेजने में उन्हें डर लगता है लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब वजह ये है कि अब ये नई आंगनवाड़ी तो बनी बोलते लेकिन अभी तक के वहाँ पे बच्चे गए नहीं हैं। टूटी फूटी आंगनवाड़ी में बच्चों को बिठालते हैं, रखते हैं, डर लगता है किसी दिन अगर बारिश आंधी आए तो छत गिर जाए, कुछ हो जाए, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। नहीं, मगर जा क्यों नहीं रहे वहाँ पे? अब जा क्यों नहीं रहे हैं, अब ये तो हमें भी नहीं पता कि क्यों नहीं जा रहे। अब तैयार हो गई बोल रहे हैं लेकिन जा क्यों नहीं रहे, इसकी वजह हमें पता नहीं है। ग्राम पंचायत जागपुर के सचिव अशोक वाघमारे बताते हैं कि जर्जर भवन की स्थिति को देखते हुए हमारे द्वारा 3 बार नोटिस जारी कर दिया गया है कि वे उस भवन को आंगनवाड़ी से हटा दे और अन्यत्र स्थान पर संचालित करे। मिरग और रोहिणी नक्षत्र में बारिश नहीं हुई, खेती के कार्य में 20 दिन की देरी हो गई। अब जिले के किसानों को चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। अब नहीं बरसे तो विकराल स्थिति उत्पन्न होते देर नहीं लगेगी। पूरे मामले पर कृषि विभाग ने एक बार फिर किसानों को सलाह दी है कि अब हल्की उम्र की धान ही लगाए जिससे नुकसान होने से बचा जा सके। पद्मेश न्यूज ने ग्राउंड स्थिति जानने के लिए सीधे किसानों से चर्चा की तो उन्होंने अपना दर्द कुछ इस तरह से बयां किया। रेंगाटोला के किसान आरन लाल घोगरे बताते हैं कि 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद खेती किसानी के काम शुरू हुए हैं, लेकिन अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है। किसान कितना लेट हो गया अभी फिलहाल? अभी किसान को 15 दिन लेट हो गया जी। जैसे अभी देखा जा रहा है कि मानसून अभी अच्छे से आया नहीं है अपने यहाँ पे? हाँ, अभी अच्छे से नहीं आया है। अब परसों के दिन का ही पानी आया है तो उसी में अब कहीं कहीं बो रहे हैं धान। अच्छा, तो क्या परेशानी जाएगी जैसे अगर अभी धान बो रहे हैं आप लोग, अगर पानी नहीं गिर पाया तो? अब लेट होगा 15 दिन परा। और जैसे अगर पानी पर्याप्त आ ही नहीं रहा है अभी? अभी नहीं आ रहा है तो मुसीबत हो जाएगी। किसान चमरूलाल ठाकरे बताते हैं कि मिरग और रोहिणी नक्षत्र में बारिश नहीं हुई, चंद रोज बारिश नहीं हुई तो अकाल की स्थिति बन जाएगी। अच्छा काका जी, अभी देखा गया कि मानसून अभी तक नहीं आया और आप लोग खेती बाड़ी के जुड़ गए हैं? मिरग में पूरी खार बो देते थे, 20 दिन तो खार लेट ही हो गई, लेट हो गई, मिरग निकल गया, रोहिणी भी निकल गई। 15 दिन मान के जरूर लेट हो गया, लेट हो गया। तो क्या परेशानी जाएगी अभी किसानों को? परेशानी वही जाएगी, अब लेट अब बारिश हो जाए तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ ही दिख रहा। जैसे अगर बारिश नहीं होती तो फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। अब तो वो नदी हट गई तुम्हारी, आज तक के नदी हम जानते थे 70 साल की उम्र। तो क्या इस बार शायद लाभ मिले, लाभ हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे मानसून लेट, नुकसान ही लग रही है। नुकसान ही लग रहा है? नुकसान ही लग रहा है। रोना ही है मतलब किसानों को? रोना चाहिए किसान को। कृषि उपसंचालक आर के त्रिपाठी जिले के किसानों को सीधे शब्दों में यही सलाह देते हैं कि अब भारी किस्म की धान की बोनी ना करें क्योंकि जिले के परिवेश के हिसाब से बारिश आने में 1 महीना देरी हो गई है। जी, जिस तरह से बालाघाट धान बाहुल्य जिला है और लगभग हमारे यहाँ करीब 85-90% एरिया में धान की खेती करते हैं किसान भाई, उस हिसाब से देखा जाए तो जो बारिश है तो वो लगभग 10-15 दिन के आसपास लेट जा रहा है और अब तक पानी गिर जाना चाहिए था। अब जरूर ये जरूर है कि अब समय को ध्यान में रखते हुए जो हम बहुत भारी किस्में यहाँ पे प्रचलन में रहती थी, भारी किस्में लगाते थे, अब चूँकि 15 दिन 20 दिन 1 महीने धीरे धीरे अगर मौसम उस तरह से साथ नहीं दिया तो लेट हो रहा है, तो अपने को मतलब कम दिन की फसलों किस्मों पर ज़्यादा अपने को जोर देना पड़ेगा
MTU 1010 है, JR 81 है, इन किस्मों पे जो हैं इन पे ज़्यादा फोकस करना होगा और उन पे लगाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। जो भारी धान हैं वो थोड़ा सा चांसेस कम हो जा रहा है अपने जिले के लिए। जिले में मानसून की बेरुखी ने किसान और कृषि विभाग दोनों की चिंता बढ़ा दी है। विभाग का अपना तर्क है कि किसान जमीन और अपनी उपयोगिता के आधार पर खेती करना चाहता है, तो विभाग अब उसे हल्की उम्र की धान लगाने की सलाह दे रहा है। देखना अब यह है कि जिले में मानसून कब तक मेहरबान होता है। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है। स्नातक में एडमिशन लेने वालों के लिए कट ऑफ की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें OBC के लिए 72%, अनुसूचित जाति के लिए 68% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 52% तक के छात्रों का दाखिला पहली सूची में होगा। इसके बाद की सीट खाली रहने पर ही दूसरी सूची जारी की जाएगी। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार को भी जिले के सभी महाविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया चालू रहेगी। पहली सूची में खाली बचे स्थान के आधार पर ही दूसरी सूची जारी की जाएगी। देखिए, जो प्रथम चरण की मेरिट लिस्ट थी वो आ गई है और अभी प्रवेश चल रहा है। बच्चे अपना सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर यहाँ से फीस भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सर, सेकंड द्वितीय चरण कब से स्टार्ट होगा? सर, द्वितीय चरण का जो वेरिफिकेशन है वो 3 जुलाई से 7 जुलाई तक होगा और इसमें जो स्थान रिक्त रह जाएंगे उसके लिए वहाँ पे मेरिट बनेगी। 2 चरणों के बाद एक CLC राउंड होना है जो 27/7 से 29/7 तक, और उसके जो एडमिशन है वो 6 से लेकर 8 तक एडमिशन है। सर, क्या द्वितीय चरण में भी सर फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा कि बच्चों को क्या उसी नहीं, जो लोग ने अभी एक भी बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनको तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पर जो लोग पहले एक बार रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करवा चुके हैं उन्हें सिर्फ अपनी रिच वाइस फिल करना है। तो मान लीजिए वो चाहते हैं कि वो पहली लिस्ट में नाम नहीं आया है और हमको चेंज कर लें जिससे दूसरे उसमें आ सकता है, तो वो उनको करना होगा, बाकी उसके अलावा कोई कारण। वारासोली नगर में स्थित शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय में BA BCOM BSc प्रथम वर्ष की प्रथम चरण की सूची का प्रकाशन हो गया है और विद्यार्थी ऑनलाइन प्रवेश ले रहे हैं। शासन के नियम के अनुसार एवं स्नातकोत्तर का दस्तावेज का सत्यापन का कार्य जारी है। 1 जुलाई से नया सत्र प्रारंभ होने वाला है, लेकिन नियमित प्राध्यापक नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। महाविद्यालय में 27 अतिथि विद्वान प्राध्यापक एवं 18 जन भागीदारी से रखे शिक्षक से नया सत्र संचालन किया जाएगा। जन भागीदारी का अधिक राशि खर्च हो रहा है। महाविद्यालय द्वारा कई बार शासन को पत्र लिखकर नियमित प्राध्यापक की नियुक्ति किए जाने की मांग की, लेकिन शासन स्तर पर नहीं हो रही है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। विद्यार्थियों ने शासन प्रशासन से नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति किए जाने की मांग की। हमारे यहाँ 27 अतिथि विद्वान है। जनभागीदारी शिक्षक पूछ रहे हैं? हाँ मैडम, जनभागीदारी जो शिक्षक हैं उनकी संख्या 11 है। कितनी पोस्टें खाली हैं मैम यहाँ पर प्रोफेसर की? प्रोफेसर्स की 27 पोस्ट खाली है। थोड़े कभी ऐसे मांग पत्र या जो छुट्टी क्यों नहीं पा रही है? शासन को तो पता है कि इतनी पोस्ट यहाँ पर खाली हैं और इसीलिए जनभागीदारी और अतिथि विद्वानों की व्यवस्था की जाती है। तो जो अतिथि विद्वान है, गेस्ट फैकल्टी जो है, वो खाली पदों के विरुद्ध आता है। तो 27 खाली पद हैं हमारे यहाँ प्रोफेसर्स के, और उसी के विरुद्ध अतिथि विद्वानों की नियुक्ति की गई है। नया सत्र प्रारंभ होना जुलाई से, तो किस तरह से तैयारियाँ की गई पढ़ाई को लेकर? 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जितने बच्चे एडमिशन ले लेते हैं उन लोगों की। और अभी तो परीक्षाएं भी चल रही हैं हमारे यहाँ, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं,
परीक्षाएं भी हो रही हैं और कक्षाएं भी। राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों के तबादले की सूची शनिवार को जारी की है, जिसमें संयुक्त कलेक्टर छतरपुर भारत भूषण गगले को बालाघाट संयुक्त कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया है। आपको बता दें कि मीणा मसराम संयुक्त कलेक्टर के स्थानांतरण होने के बाद से ही बालाघाट संयुक्त कलेक्टर का पद खाली था। शनिवार को राज्य शासन ने 1 दर्जन से अधिक जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के तबादले सूची जारी की, जिसमें बालाघाट जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद सिंह डामोर का स्थानांतरण नीमच जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में हुआ है। आपको बता दें कि इस सूची में बालाघाट जनपद सीईओ कौन आ रहा है इसका कोई उल्लेख नहीं है, जिसमें अभी बालाघाट जनपद सीईओ के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। वारासिवनी मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मेंढकी में गुरुवार को दोपहर में हुई तेज आंधी तूफान व बारिश से सचिन बिसेन का पोल्ट्री फार्म क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें 60,000 रुपये का दाना पोल्ट्री फार्म और टीन शेड उड़ जाने से बिसेन को करीब 4 लाख का नुकसान हुआ है। शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की गई है। पोल्ट्री फार्म का पूरा शेड ही उड़ गया। कब उड़ा और कैसे क्या उड़ गया? 27 तारीख को दोपहर में लगभग 2:30 बजे तूफान आया और पानी आया, चक्रवाती तूफान, उसमें पूरा ऊपर से शेड ही उड़ गया, दिवाली भी गिर गई। नुकसानी क्या क्या हुई अपने? टीन सेट पूरा उड़ के चला गया मेरा, प्रोपाइल सेट का जो था कैंची उड़ गई पूरी, पूरा दूसरे खेत में जाके नहर में जाके गिर गया। और कुछ भीगा है? दाना भीग गया मेरा सर, दाना जो पानी इतना ज्यादा आया कि पूरा दाना रखा था 28 बजे दाना रखा था वो पूरा गीला हो गया, कोई काम का नहीं रहा। तो कंपनी जो है कंपनी दाना उठा नहीं रही है और उसका मेरे ऊपर रिकवरी निकली, जैसे उसका सुपरवाइजर बता रहे हैं। जिले की जीवनदायिनी वैनगंगा नदी में फैली गंदगी को हटाने के कार्य में आम जन से लेकर संगठन भी सक्रिय रूप से श्रमदान कर रही है, जो वर्तमान में जिले में स्वच्छ पेयजल के लिए संकट की स्थिति से गुजर रहा है, जिसका कारण प्रकृति में फैला प्रदूषण ही है, जिसे कम करने के लिए सम्राट अशोक सेना द्वारा 1 दिवसीय स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ किया गया। शनिवार को जागपुर स्थित मृत्युंजय घाट में श्रमदान करने सम्राट अशोक सेना राष्ट्रीय सचिव अजय सुखदेव ने बताया कि वैनगंगा को स्वच्छ करने के लिए 1 दिवसीय स्वच्छता श्रमदान किया गया, जिसमें श्रमदान कर मृत्युंजय घाट को बारिश पूर्व स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया गया। भूमि में जल स्रोत कम होने के कारण आज सम्राट अशोक सेना 29 जून को गायखोरी स्थित जागपुर घाट वैनगंगा नदी पर स्वच्छता अभियान चलाई है, जिसमें सम्राट अशोक सेना के सभी सदस्य एवं बालाघाट नगर के सभी सामाजिक धार्मिक बंधु यहां उपस्थित होकर अपना श्रमदान दिए और यहां जो गंदगी फैली थी प्लास्टिक डिस्पोजल इनको सबको एकत्रित कर एक जगह गड्ढा खोदकर उसे नष्ट किया गया है। मैं सभी अपने साथियों ना मेडिकल की पढ़ाई ना MBBS कोर्स और ना ही कोई डिग्री, बावजूद इसके भी घुटना दर्द से लेकर बच्चे पैदा करने तक की दवाइयां देते हुए आपने कई घुमक्कड़ लोगों को देखा होगा। वे लोग हिमालय काठमांडू और नेपाल सहित देश विदेश की पहाड़ियों से जड़ी बूटी लाकर हर मर्ज का इलाज करने का दावा करते हैं और लोगों को अंधविश्वास के मायाजाल में जकड़कर उनके पैसों की उगाही करते हैं। ये लोग आयुर्वेद के नाम पर घूम घूम कर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, बल्कि इस मॉडर्न युग में इन्होंने बाकायदा अपना दवाखाना खोलकर डॉक्टरों की तरह फीस भी वसूल रहे हैं, साथ ही उपचार के नाम पर फर्जी जड़ी बूटी थमाकर लोगों को चूना लगा रहे हैं।
इन लोगों ने केवल ग्रामीण या तहसील अंचलों में नहीं बल्कि बालाघाट मुख्यालय में भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के नाम पर अपनी दुकानें खोल रखी हैं, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। सवाल यह है कि जड़ी बूटी के नाम पर जिलेवासियों को चूना लगाने का यह खेल आखिरकार कब तक चलता रहेगा। वहीं बड़ा सवाल यह भी है कि संबंधित विभाग ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है। यही वजह है कि जो विभाग की कार्यप्रणाली और उसके उदासीन रवैये को प्रदर्शित करती है। दादा से परदादा से सबसे चलता आ रहा है हम लोगों को खानदानी पैसा ही अपना क्या होता है दर्द के लिए अपना ये जड़ी बूटी चलता है अपना दर्द के लिए तेल वेल देते हैं हम लोग पुराना सा पुराना दर्द होता है ना उसके लिए ये चलता है। एक चीज़ और कही जाती है अक्सर जैसे आप लोगों के साथ चर्चा करो तो कि हर मर्ज का इलाज जो है संभव है आयुर्वेद से, क्या ऐसा होता है? ऐसा क्यों नहीं होता? होता है अपना क्या होता है विश्वास जड़ी बूटी पर करें तो हर चीज़ का इलाज होता है। अच्छा बताइए कि जैसे जड़ी बूटी के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ से यानी कहाँ की पहाड़ियों में मिल पाती हैं ये जड़ी बूटी? ये तो क्या होता है ज़्यादा करके अपना हिमाचल हुआ अपना देहरादून हुआ अपना अजमेर हुआ अपना हुआ ज़्यादा अपना नेपाल हुआ काठमांडू हुआ उधर ये ज़्यादा करके पहाड़ों में होता है ये चीज़। अच्छा कौन कौन ऐसा है इसमें हमारे देश में वर्षों से आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ चली आ रही हैं और ये लगातार आज भी वो परिपालन में हो रहा है उसके और लोग इसका आज भी इस पर विश्वास करते हैं। विश्वास करना और अंधविश्वास करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमें आयुर्वेदाचार्य के पास जाना चाहिए, डिग्रीधारी आयुर्वेदाचार्य भी होते हैं उनके पास जाना चाहिए और जाके उपचार कराना चाहिए क्योंकि आयुर्वेदाचार्य सही ढंग से सही जड़ी बूटी किस समय कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना किस बीमारी के लिए इस्तेमाल करना उसे आता है तो उसके पास जाना चाहिए और उससे इलाज कराना चाहिए। ये जो सड़कों में अनपढ़ लोग और इस टाइप के लोग जो कि कहीं से आके खानाबदोश टाइप के लोग आते हैं और आके दुकानें लगा के बैठ जाते हैं इससे लोग धोखा खा जाते हैं। पब्लिक को इसमें अवेयर होना चाहिए। पब्लिक जो है अगर सावधान रहेगी तो उन्हें ये इस चीज़ का समस्या नहीं होगी। लोगों को एक मालूम पड़ जाएगा कि भाई हमें नहीं इलाज कराना है ऐसे लोगों से। लालबरा से लगभग 6 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित खारी से देवरी पहुंचे मार्ग का डामरीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे लंबे समय से खराब सड़क का दंश भोग रहे ग्रामीणों व राहगीरों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि लगभग 2 किलोमीटर लंबा खारी से देवरी पहुंच मार्ग लंबे समय से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा था। आलम यह था कि विभागीय अधिकारियों की अनदेखी और ठेकेदार की लापरवाही के कारण पिछले 5 वर्षों में किसी प्रकार का मेंटेनेंस कार्य नहीं किया गया था, जिससे 2 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। सड़क में जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे निर्मित हो गए थे। ये रोड से बहुत समस्या थी, ऐसी कई गाड़ियां करवट होते थे, कई आधे आधे फीट के गड्ढे हो गए थे, कहीं 1 फीट के गड्ढे हो गए थे इस रोड पे जी। और बहुत दिक्कतें थे, ट्रक डंपर चलने से ज़्यादा ख़राब हुई थी। डंपर कैसे चलते थे आप? गिट्टी रेती। तो कब से खराब थी सड़क? ये पिछले वर्ष जुलाई से समझ लो। जिसकी वजह से क्षेत्रीय ग्रामीणों को पटरी से होकर आवागमन करना पड़ रहा था, वहीं आए दिन दुर्घटनाओं का दौर जारी था। गड्ढों की मार से त्रस्त ग्रामीणों की समस्या को पद्मेश न्यूज में प्रमुखता के साथ कवरेज कर संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था। रोड में तो पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन अभी वर्तमान में मतलब जो हमने उस बार दिए थे स्टेटमेंट कहना चाहिए तो उसमें से थोड़ा सुधार आया और अभी रोड वर्तमान में बन रही है, बनना चालू है, 2-4 दिन में शायद पूरा कम्प्लीट भी हो जाएगा।
रोड के बनने से ग्रामीणों को सहूलियत, इससे ग्रामीणों को बहुत सहूलियत हो जाएगी, सभी लोगों को आने जाने वालों को। कहाँ कहाँ के ग्रामीण आना जाना? यहाँ से खामघाट है, मुरझड़ है, दधिया और अपने देवरी खारी, मतलब सभी लोग, और बाहर के भी लोग आते हैं इधर उधर के सभी लोग। सड़क किस स्थिति से बन रही, मजबूती गुणवत्ता? हाँ, अभी तो वैसे मजबूत लग रहा है, बाद में पता चलेगा। जिस पर अधिकारियों ने हरकत में आकर खारी से देवरी तक डामरीकरण सड़क का कार्य करवाया गया है, साथ ही पटरी की भराई की गई है, ग्रामीणों ने पद्मेश न्यूज का आभार जताया है। पहले खराब थी, बहुत गड्ढे थे, जाने आने जाने में दिक्कत थी, बारिश में तो जा ही नहीं पाते थे। जी, तो फिर क्या किया आपके द्वारा? क्या है इसमें, फिर सामने नेता को भी किए, उनने भी फिर ध्यान नहीं दिए, तो ऐसी पद्मेश टीम आई, उनको भी बताया हमने, तो उनसे संपर्क किए, तो उनने फिर वो किए। तो अभी सड़क कैसी है? सड़क तो अभी आने जाना तो अब अच्छी हो गई, बन गई मस्त। कितने दिन हो गया? ये 4 दिन हुआ, काम चालू है अभी आगे। केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में कार्यरत उच्च श्रेणी लिपिक डीके सोनी की सेवा निवृत्ति पर 29 जून को समारोह पूर्वक भावभीनी विदाई दी गई। श्री सोनी द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन में 37 वर्ष 11 माह की सेवा प्रदान की गई है, इसमें से 20 वर्ष की सेवा केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में उनके द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि श्री सोनी ने केंद्रीय विद्यालय मलाजखंड एवं बालाघाट में अपनी संपूर्ण सेवा दी है। विद्यालय परिवार की ओर से आयोजित विदाई समारोह में श्री सोनी को सपरिवार आमंत्रित किया गया था। पीके जैन, प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ केंद्रीय विद्यालय बालाघाट द्वारा श्री सोनी को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया और विदाई समारोह का शुभारंभ किया गया। शनिवार की दोपहर एक बार फिर अचानक मौसम ने करवट ली और सिवनी के रास्ते बारिश लालबर्रा वारा सिवनी होते हुए जिला मुख्यालय से लांची, किरनापुर, परसवाड़ा, बैहर, अमूमन सभी तहसीलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। बारिश की शुरुआत लालबर्रा से हुई, जहां पर दोपहर बारिश शुरू हुई। वारासिवनी तहसील से तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। शाम होते होते जिला मुख्यालय में भी बारिश शुरू हुई। निश्चित ही बारिश के बाद आम आदमी को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों की चिंता काफी हद तक कम होते दिखाई दी। पारिवारिक विवाद के कारण एक माता पिता ने अपने बेटे की इतनी पिटाई कर दी कि उसका सिर फोड़ दिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पूरा मामला किरनापुर थाना अंतर्गत भालवा की घोंगा टोला का है। 28 जून को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बनने के दौरान नरेश पांचे, उम्र 27 वर्ष का, अपने पिता हंस लाल से विवाद हुआ था, जिससे उसके पिता और माँ सेजन बाई ने उसकी पिटाई कर दी। लालबर्रा थाना अंतर्गत मोगांव में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर 3 युवकों ने बोलेरो चालक की जमकर पिटाई कर दी और गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। लालबर्रा पुलिस ने मुकेश चौहान, उम्र 26 वर्ष, निवासी गारापुरी की रिपोर्ट पर संदीप गढ़पाले, राकेश नकपुरे सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो बजे स्कूल मिले बंद, 6 शिक्षकों के कटा वेतन। सौ क्विंटल नकली खाद जब्त, FIR के आदेश। पद्मेश न्यूज प्रसारण के बाद जागा प्रशासन, बना दी खारी से देवरी सड़क। एक से 3 जुलाई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगा गर्रा रेलवे फाटक। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए परेशान हुए लोग। पांचवी 8वीं बोर्ड के आए आदेश। शनिवार को जिले भर में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, 24 घंटे में सक्रिय हो जाएगा मानसून।
तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।